बोर्ड में कौन अध्यक्ष होगा उसके टर्म रेफरेंस नहीं, पर फिर भी एक शुरुआत की है, इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य दर्जनों बोर्डों की तरह ये बोर्ड नेपथ्य में नहीं चला जाए। DPS तबीजी अजमेर, जहां अकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। 3.5 महीने दूर है, इन दिनों में अगर मैं सारे बोर्डों की गणना करने लग जाऊं तो आंकड़ा कई दर्जनों को पार कर जाएगा। बोर्ड बने उससे पहले उसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स बने, बोर्ड क्या काम करेगा, बोर्ड का कितना बजट होगा, बोर्ड से महाराणा प्रताप के स्मारक कितने बनेंगे, कितने उन पर शोध होंगे, इसका कोई प्रारूप होता तो अच्छा लगता। बोर्ड में कौन अध्यक्ष होगा उसके टर्म रेफरेंस नहीं, पर फिर भी एक शुरुआत की है, इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य दर्जनों बोर्डों की तरह ये बोर्ड नेपथ्य में नहीं चला जाएगा। एक और बात आज मुख्यमंत्री जी ने कही, जब भी चुनाव आते हैं वो कोई न कोई आरक्षण का जिन जरूर बोतल से बाहर निकालते हैं। आज अचानक उनको याद आई कि जो OBC का आरक्षण है, इस आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए। SC ST के आरक्षण में भी उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में आगे बढ़ोतरी की बात कही। मैं समझता हूं कि संविधान में आर्टिकल 340 में OBC कमीशन बनाने का अधिकार राजस्थान को है, मैंडेटरी है, और उन्होंने बना रखा है, पर यह पहला मौका होगा जब राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी इन्होंने OBC कमीशन का पूरा गठन नहीं किया, सिर्फ एक जस्टिस भवरू खां को अकेले को लगा तैनात कर रखा है, पदस्थापित कर रखा है। OBC की एक बैठक नहीं कमीशन की, कोई रिकमेंडेशन नहीं, और सिर्फ क्योंकि अब उनको लगता है कि ये समाज OBC समाज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया, तो इस प्रकार का सगुफा उन्होंने कह दिया। मुख्यमंत्री जी कल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है भ्रष्टाचार बढ़ता है। राजस्थान में पहली बार DIT विभाग में, जिसके खुद मुख्यमंत्री सरपरस्त है, मंत्री है, उन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव को देखा। सचिवालय में नोट उगले तो सोना उगले, ये पहली बार हुआ। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी कहता है, परचेज कमेटी का सदस्य एक सदस्य था DIT में, अगर पिछले 4.5 वर्षों का अगर आप हिसाब लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा के अलग अलग समय पर अलग अलग काम हुए हैं, और स्मार्टफोन से लेकर आधार कार्ड से लेकर चिरंजीव कार्ड से लेकर सारी चीज़ें वहाँ बनी है। इन सब में कितनी घालमेल है, ये गंगोत्री कहाँ से निकल कर आई है, इस पर अगर जांच हो तो कई बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे।